वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो ठंड का हाल है और छोटे साहबजाद के शहीदी दिन चल रहे हैं, और अज तो सोचो जी अज इन्नी ठंड है कि बंदे कंब रहे हैं और इन्ना बुरा हाल किया हुआ ठंड ने। अज तो किन्ने सौ साल पहला की ठंड के हाल हों होगा, और ठंडे बुरज के साढ़े छोटे साहबजाद बंदी बना के रखे गए, कि रख्या गया। मेरिया गल् कौड़िया लगनिया पर सच ने। उस टाइम साढ़े गुरु साहब ने कि अपने आप को वारता, पूरा परिवार वारता, छोटे साहबजादे झुकन ना करके अपने लोगों लिए खड़े रहे। असी अज की सीख रहे हैं? अज उस घटना को याद करके हर बंदे दे अख दे विच हंझू आ जांदा कि किन्नी छोटी उम्र दे विच उन्हां नाल किन्ना तशद्दत होई और वो फिर भी अड़े रहे किन्हां लई, अपने लोगों लई। कि साढ़े गुरु साहबां ने कदी सानू यह हुक्म किया कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों की मदद करो, या अपने परिवार की मदद करो, या अपने कल्ले गली गवांढ की मदद करो? साढ़े गुरु साहब ने हमेशा सानू सरबत दे भले का हौंका दिता है, और साढ़े गुरु साहब का हमेशा ही फलसफा रहा उन्हां दा कि इंसानियत की सेवा करो। और अज जे मैं केस तुहाडे नाल डिस्कस करन ते आवां तां मन इन्ना रो रहा कि अज सारे असी ये शहीदी दिन दे विच, वैसे तो गुरु साहब नूं 24 घंटे अंग संग याद रखना चाहिए, उन्हां दी एक एक कुरबानी, उन्हां दे पूरे परिवार की एक एक कुरबानी, असी करोड़ां जन्म भी इस दुनिया दे विच जे उन्हां नूं याद करिए नहीं पूरी हो सकती। और जे गुरु साहब अंग संग साडे नाल ने तां उह इन्हां लोकां दे वी नाल ने। और मैं वीडियो राही बेनती करना चाहना कि इन्नी ठंड दे विच जे कोई मजबूरन इत्थे साडे कोल हैल्प लैण आंदा है तो बड़ी लोड़ नाल आंदा है। मेरे कोल भैण ने साढ़े कोल अज ही आए ने, हजे इन्हां दे हसबेंड ने, इन्हां नूं भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है जिहदे करके काम कर नहीं कर पा रहे। घरे चार बेटियां ने, डॉक्टर ने शिकायत दसी है, अरदास करो कि वह शिकायत जिहड़ी दसी है वह बीमारी ना निकले। और टेस्ट दसिया डॉक्टर ने, तो टेस्ट नहीं करा पा रहे, की दिक्कत है? नहीं टेस्ट तो नहीं करा रहे क्योंकि मैं भी बीमार रहना है। इतने की करना है? इतने थोड़ी हेल्प लैन मदद लैन आए हैं भी, साडा जिहड़ा इलाज इन्हां दा घर दिआं दा प्रॉपर सही ढंग नाल हो जाए। तुसीं देखो छोटियां, सब तो छोटी बच्ची की उम्र किन्नी भैणे तुहाडे? 5-6 साल दी छोटी बच्ची। डॉक्टर ने शायद, वैसे मैं गुरु साहब अगे अरदास करूंगा कि बीमारी ना निकले, डॉक्टर ने कैंसर होने का शक दसिया, पर टेस्ट ही हजारा रुपए के ने, कितों लिया इन्ना पैसा? और मतलब मेरे मन च तो बड़ा कुछ है कहन, पर मैं कंट्रोल कर जाना कि मैं किवें जगावां तुहानूं घरे बैठिया। आ बेचारी साढ़े कोल नौ बैठी है, असीं नौवां सस्सां दे चुटकले बनाने, एक ऐसी नौ बैठी है जिहड़ी सस नूं चुक्की फिरदी है, की करम कीते होणे सस ने, ये नूह दे दिमाग दे विच, ये आपकी सांस है? हाँ जी, सांस। आजकल जमाने में लोग अपने सके माँ बाप को नहीं पूछते, आप सांस को क्या करे, आप मजबूर है, अकेला हमें है बहु। आप इतना क्यों, इतना दिल से क्यों कर रहे हो इनका? अब देखिए, अब जब तक ले इसका जिंदगी रहेगा तब तक तो हम करवे करेंगे, दूसरा तो कोई देखेगा नहीं। ऐदा दी जेडी सोच है ना, ऐदा दी ये बहुत उच्ची ते सुच्ची सोच है। और इन्हां दी जेडी जब से शादी हुआ तब से हम इनको लेकर के, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हर लड़की अपनी माँ को और अपनी सांस को माँ बराबर समझे तो सारे क्लेश ही मुक जाएंगे। क्या हुआ अब इनको? वही पैर टूट गया हुआ, हड्डी। कब से टूटा हुआ है? महीना दिन हो गया, गांव में गिर गए बेड पर से। अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि 30,000 रुपया लगेगा इसमें, अब हम कहाँ से लाए गरीब आदमी। देखो इन्हां दी अरदास करो, इन्हां लई भी पेशेंट बहुत ज्यादा ने, ये माता जी बैठे ने। तुसीं देखो मतलब लोग तरह तरह के हैगे ने। अज ना रणजीत कौर भैण का बर्थडे है कैनेडा दे विच, तुसीं ब्रदर हो जी उन्हां दे? आ जाओ, ये उन्हां दे ब्रदर ने, ते जिवें शहीदी दिन चल रहे ने तां भैन ने अपना बर्थडे मनाना, केक कटना नहीं ठीक समझिया, और उन्होंने अपने ब्रदर के हाथ अज वाले दिन 15,000 रुपये सेवा भेजी, किन्ना ली? इन्हां लोड़मंद पेशेंटां लई। और मैं धन्नवाद करदा वो भैन का कि जेडे ट्रीटमेंट के लिए इन्ने NRI वीर जुड़े हुए हैं, कि ये माता घट्टो घट मेरे को 10-12 बार आ चुके हैं। इन्हां दा घरे जवान मुंडा बेचारा 27-28 साल का, चूड़ा खराब होने करके बैठ घर ही बैठा, चूड़ा पैना 65-70 हज़ार रुपये खर्चा पर इलाज करा जोगा पैसा। बड़े मरीज ने साढ़े को, रोज साढ़े को 40-40-50 मरीज इतने हैल्प लैन आते हैं। पर मैं यही बेनती करना चाहना वीडियो राही कि कला असी गुरु साहब नूं याद करके अपनी जिहड़ी उह सिर्फ योगदान ना करिए, गुरु साहब के दसे हुए कदमां ते भी चलीए। साढ़े गुरु साहब ने हमेशा सच का हौंका दिता है, मनुखता की सेवा का हौंका दिता है, और उन्होंने हमेशा ही यही सानूं हुक्म दिता है कि सारे ही साढ़े अपने ने, सारे ही साढ़े भरा भैन ने, सरबत के भले की उन्होंने हमेशा हौंका दिता है, तो आप अपना कर्म करिए। तुहाडे करन दे नाल उस तो बाद की हो रहा वो आपां छड्डीए, अपना कर्म करिए। लोग बहुत दुखी ने इन्नी ठंड दे विच, जिथे असीं अपने कमलों चों नहीं निकल सकते, तो इत्थे देखो किन्नी मतलब लोग इत्थे हैल्प लैण लई आउंदे ने। और मैं यही अपील करदा तुहाडे सारिआं अगे कि इन्हां पेशेंटां दी, इन्हां लोड़मंद लोकां दी हैल्प करन लई जरूर आओ, क्योंकि लोगों नूं लोड़ बहुत ज्यादा हैल्प दी, ते जिहड़े हैल्प करन वाले ने उह घट ने। वीर तुसीं 5,000 दी सेवा इहनां नूं दे दो,
ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭੈਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਖੋਲ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡੋਨਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੋਨਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।